सो GSTR 1A पोर्टल पे लाइव हो चुकी है, हम चाहे तो GSTR 1A अब फाइल कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं कि GSTR 1A का पर्पस क्या है, उसे किस तरह से फाइल किया जाता है, क्या क्या डिटेल्स उसमें सबमिट कर सकते हैं, क्या डिटेल्स या क्या करेक्शंस हम इसमें नहीं कर सकते हैं, एंड सो ऑन। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपकी नॉलेज जरूर ना जरूर बढ़ेगी। और चलिए बढ़ते हैं GSTR 1A की तरफ। अगर आप एक बार किसी मंथ का GSTR 1 रिटर्न मतलब R1 फाइल कर देते हैं तो उसके बाद आपके लिए GSTR 1A अवेलेबल हो जाती है पोर्टल पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है जुलाई का, आपने जुलाई मंथ का अगर R1 फाइल कर दिया होगा तो GSTR 1A आपके सामने लाइव हो जाएगी। जुलाई मंथ का रिटर्न R1 कब फाइल करते हैं? अगस्त में, ठीक है। एज सून एज यू फाइल GSTR 1, R1A मतलब GSTR 1A अवेलेबल हो जाएगी फाइलिंग के लिए। अब पर्पस क्या है GSTR 1A का? हम यहाँ पे GSTR 1 में अगर कोई मिस्टेक कर देते हैं तो हम उसको GSTR 1A में करेक्ट कर सकते हैं। मतलब अब तक GSTR 1 में अगर कोई गलती हो गई है तो हम क्या करते हैं, उसकी अमेंडमेंट फाइल करते हैं नेक्स्ट मंथ की GSTR रिटर्न में, ठीक है, GSTR 1 में। लेकिन अब हमें यहाँ पे GSTR 1A देके हमें करेक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है। अगर हमने GSTR रिटर्न में कोई गलती कर दी है R1 में, जो सेल्स की अपलोड करते हैं हम लोग इनवॉइसेस, वहाँ पे अगर कुछ गलती हो गई है तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं GSTR 1A में सेम मंथ में, ठीक है। मतलब जुलाई की कोई गलती अगर हो गई है आपके लिए तो आप जुलाई के मंथ में ही उसको करेक्ट कर सकते हैं, आपको नेक्स्ट मंथ की R1 के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। तो अब GSTR 1 में हम क्या क्या डिटेल्स अपलोड करते हैं सेल्स की, B2B सेल्स होता है हमारा, B2C सेल्स होता है, एक्सपोर्ट होता है, और ऐसे बहुत सारी अपलोड करते हैं डिटेल्स हम सेल्स रिलेटेड या आउटवर्ड सप्लाई रिलेटेड, राइट। लेकिन कोई मिस्टेक हो गई तो हमने जैसे बात कर दी कि कोई मिस्टेक हो गई या फिर हमने कोई गलत इनवॉइस अपलोड कर दिया या फिर इनवॉइस ही अपलोड करना भूल गए, तो ऐसे केस में क्या होता है कि समझो हमने कोई इनवॉइस अपलोड करना ही भूल गया तो वो हमारे जो कस्टमर्स है, क्लाइंट्स है, उनकी GSTR 2B में शो नहीं करता है, राइट। अगर वो शो नहीं करेगा GSTR 2B में तो क्या हो जाएगा, जैसे कि हमें पता है कि GSTR 1 हम फाइल कर देते हैं एक बार, उसके बाद 14th के बाद GSTR 2B में उनके शो होना चाहिए अपने कस्टमर या क्लाइंट के। लेकिन जब ये शो नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, हमें कॉल करेंगे, हमें रिमाइंड करवा देंगे कि आपने वो इनवॉइस अपलोड नहीं किया। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अब जो हम जुलाई के मंथ में अगर कोई इनवॉइस भूल गए तो जुलाई के ही GSTR 1A में अपलोड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो जुलाई के 2B में उसके रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा अगस्त के 2B में। मतलब उसको देखने मिलेगा उसका अगस्त में, उसका ITC भी वो अगस्त में ही क्लेम कर पाएगा, इस मंथ में जुलाई में तो नहीं क्लेम कर पाएगा। लेकिन हाँ, हम अपने साइड से करेक्शन जुलाई के मंथ में ही कर देंगे, मतलब सेम मंथ में जिस मंथ में हमने गलती करी है, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, इम्पॉर्टेंट पर्पस है ये GSTR 1A का, कि आप अपने GSTR 1 में जो भी मिस्टेक्स करिए उसको करेक्ट कीजिए सेम मंथ में, अगर आपको गलती इमीडिएटली पता चल जाती है, ठीक है। सो हम यहाँ और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम GSTR 1A करंट पीरियड का ही फाइल कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पिछले किसी मंथ की कोई करेक्शन अगर हमें करनी है तो हमने इस मंथ की GSTR 1A में कर दी, ऐसा नहीं है। और अगर हम GSTR 1A में कोई मिस्टेक करेक्ट नहीं कर सकते हैं तो हम उसको नेक्स्ट मंथ की GSTR 1 में करेक्ट कर सकते हैं, अमेंडमेंट में उसको डाल सकते हैं। तो GSTR 1 एक ऑप्शनल रिटर्न है, ठीक है, कंपलसरी आपको फाइल नहीं करनी है। अगर आपसे मिस्टेक हो गई है और आप उसको सेम मंथ में करेक्ट करना चाहते हैं तो GSTR 1A आप फाइल कीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सेम मंथ में मिस्टेक पकड़ी नहीं जाती है और आपने अब तक वो फाइल नहीं किया है GSTR 1A में अगर आप करेक्शन नहीं कर पाए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट मंथ की GSTR 1 में उसको करेक्ट कर दीजिए, उसका कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे इसका कोई लेट फीस नहीं है क्योंकि ये ऑप्शनल रिटर्न है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो भी एंट्रीज GSTR 1A में करेंगे वो आपके मतलब आपके कस्टमर के क्लाइंट की GSTR 2B में नेक्स्ट मंथ में शो करेगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं कैसा लगता है ये GSTR 1A। जैसे कि अब तक तो बहुत लोगों ने देख भी लिया होगा क्योंकि जुलाई में ही ये लाइव हो चुका था,
ओके सो हम देखते हैं कि GSTR 1A के लिए हमें सबसे पहले डैशबोर्ड पे जाना है, हमारा पीरियड सेलेक्ट करना है जिसका GSTR 1A हम फाइल करना चाहते हैं। वहाँ पे अगर एक बार आपने GSTR 1 फाइल कर दी है उसके बाद आपके सामने ये GSTR 1A आ जाता है जिसको आप ऑनलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ये सेम दिखता है GSTR 1 की तरह, ठीक है। जितने टेबल GSTR 1 में है वही आपको GSTR 1A में शो करेंगे सारे टेबल्स। तो एड रिकॉर्ड डिटेल में भी ये टोटल 4 से लेकर 15 तक के जितने भी टेबल्स है वही शो करेंगे, मतलब आपको जहां जहां करेक्शन करनी है उसी पर्टिकुलर टेबल में जाके आप करेक्शन करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे कोई B2B सप्लाई में मिस्टेक कर दी थी और उसकी इनवॉइस में आपको करेक्शन करनी है तो आप इसी टेबल में जाएंगे और यहाँ पे करेक्शन करेंगे। सिमिलरली जहाँ जहाँ पे मिस्टेक हुई है वहाँ पे आप करेक्शन करेंगे। अमेंडमेंट का भी यहाँ पे ऐसे ही टेबल दिया हुआ है, अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स, तो इसका भी आप इसी तरह से यूज कर देंगे जैसे आप GSTR 1 में यूज करते हैं, ठीक है। तो GSTR 1A और 1 में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम दिखेगा। आपको यहाँ पे सिर्फ करेक्शन करना है, तो करेक्शन के लिए आपको टेबल सिलेक्ट करना होगा जिसमें आपने मिस्टेक करी थी जब GSTR 1 फाइल किया था, ठीक है। सो देयर इज नो डिफरेंस, ओके। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप GSTR 1 में HSN वाइज समरी को अमेंड नहीं कर सकते थे। जब आप GSTR 1 फाइल कर रहे थे कभी अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो HSN वाइज समरी अमेंड नहीं कर सकते थे, लेकिन GSTR 1A में तो अब वो भी एप्लीकेबल हो गया है, आप अमेंड कर सकते हैं, HSN वाइज समरी भी अमेंड हो सकती है, ठीक है। तो अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पकड़ते हैं कि GSTR 1A में हम कौन से डेटा को अमेंड कर सकते हैं, क्योंकि सारा डेटा अमेंड नहीं होता है। आपके लिए जानना ये जरूरी है कि क्या क्या अमेंड होगा और क्या क्या नहीं अमेंड होगा, ठीक है। क्या क्या आप करेक्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको करंट पीरियड का ही अमेंडमेंट पॉसिबल होगा, मतलब जुलाई का कोई मिस्टेक है तो जुलाई की GSTR 1A में आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस किसी मंथ का हम यहाँ पे करंट नहीं कर सकते। फिर डेट, इनवॉइस नंबर, अमाउंट, रेट, अमाउंट मतलब इनवॉइस अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट, GST अमाउंट, वो सारी चीज़ें अमेंड हो जाएगी। आप रेट भी चेंज कर सकते हैं GST के एंड सो ऑन, मतलब ये सारी चीज़ें चेंज होगी। B2B से आप B2C अगर करना चाहते हैं, मतलब कोई गलती से आपने B2B का इनवॉइस B2C में डाल दिया था या फिर B2C का इनवॉइस B2B में डाल दिया था, तो उसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं GSTR 1A में, लेकिन आप GST नंबर चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने कोई इनवॉइस गलत पार्टी के GST नंबर पे अपलोड कर दी है तो वो यहाँ पे GSTR 1A में आप चेंज नहीं कर पाओगे, करेक्ट नहीं कर पाओगे। आपको उसकी करेक्शन नेक्स्ट मंथ के GSTR 1 में ही करनी होगी, ठीक है। तो ये पता नहीं चल रहा है कि इस तरह से क्यों सेट किया है कि आप GST नंबर चेंज नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ ये एक जो नोटिफिकेशन या सर्कुलर इशू हुआ है इसके रिलेटेड, उसमें मेंशन किया हुआ है कि GST नंबर आप अमेंड नहीं कर पाओगे, बाकी सारी चीज़ें आप अमेंड कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। चलिए ड्यू डेट्स देखते हैं GSTR 1A की। जैसे हमें पता है कि GSTR 1 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक फाइल करते हैं, मतलब जुलाई का GSTR 1 आपने 11th ऑफ अगस्त तक फाइल कर देना होता है, राइट। जैसे ही आप अगस्त में जुलाई मंथ का GSTR 1 फाइल कर देंगे, आपके सामने GSTR 1A लाइव हो जाएगी, आप उसमें से GSTR 1A फाइल कर सकते हैं। और कब तक आपके लिए एप्लीकेबल होगी, जब तक आप 3B रिटर्न फाइल करते हैं, और 3B रिटर्न की डेट क्या है, 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो 20th तक आपके पास अवेलेबल तो होगी, लेकिन समझो आपने 18th को ही GST 3B रिटर्न फाइल कर दी है तो आपके पास GSTR 1A अवेलेबल होगा टिल 18th, मतलब 14 से लेकर 18 तक आपके पास ये अवेलेबल होगा, ठीक है। तो जब तक आप 3B रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तब तक आपके पास ये GSTR 1A होगा, ठीक है। सो जैसे हमने देखा है कि GSTR 1A इज आइडेंटिकल टू GSTR 1, वहाँ पे कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो GSTR 1 अगर आपको पता है कैसे फाइल करते हैं तो उसी से हम GSTR 1A फाइल कर सकते हैं। आपको सीखना है कि GSTR 1 कैसे फाइल करते हैं तो उसकी चैनल पे आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, हालांकि मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि GSTR 1 कैसे फाइल होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपके कुछ नॉलेज गेन हुई है इससे, तो इसे लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके और उनकी गलती को सेम मंथ में करेक्ट कर सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। आपको कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए,
वहाँ पे हम क्वेरीज डिस्कस करते रहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अब इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए है कि फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स कैसे किया जाता है, उसकी मैंने कोर्स लॉन्च किया है, जहाँ पे अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग पता है लेकिन आपके बॉस या सीनियर आपको अकाउंट्स फाइनलाइजेशन नहीं सिखाते, या फिर आपके क्लाइंट के लिए भी आप एक्यूरेटली अकाउंट्स फाइनलाइज करना चाहते हो, कंपनीज का हो, पार्टनरशिप फर्म का हो, प्रोप्राइटरी फर्म का हो, किसी का भी हो, जहाँ पे हम बहुत सारे ईयर एंड एडजस्टमेंट करते हैं, ईयर के बिगिनिंग में भी फिर से उसको एडजस्ट करना पड़ता है, अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इनकम या एक्सपेंस, प्रीपेड इनकम या एक्सपेंस, या कोई भी ट्रांजैक्शन हो, प्रोविजंस हो, या फिर डेफर्ड टैक्स की एंट्रीज हो, उसकी वर्किंग हो, पार्टनर्स, पार्टनरशिप फॉर्म में भी हमारे पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन हो, या फिर BRS हो, ऐसे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है जो हम अकाउंट्स फाइनलाइजेशन जब करते हैं तब ज़रूरत पड़ती है, जिसकी नॉलेज अगर हमें नहीं है तो हमारा फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स एक्यूरेटली नहीं हो सकता है, या फिर ऑडिटर कोई ना कोई क्वेरीज निकालते रहेंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कि ऑडिटर किस बेस पे ये क्वेरीज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो फाइनलाइजेशन हमने कवर किया है उसमें सारे प्रोविजंस को, TDS, इनकम टैक्स, GST या कंपनीज एक्ट के भी जो प्रोविजंस है उसको कंसिडर करते हुए ये कोर्स बनाया गया है आपके लिए जस्ट फॉर ₹199। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दी गई है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कीजिए, आपको कोर्स की सारी डिटेल मिल जाएगी और साथ में वहाँ से आप एनरोल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक बोनस भी है, जहाँ पे आप 1 मंथ के अंदर, जब से आप कोर्स बाय करते हैं उसके 1 मंथ के अंदर आपको कोई भी फाइनलाइजेशन रिलेटेड क्वेरी होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, विद इन 48 आवर्स आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। तो एक व्हाट्सएप सपोर्ट भी एज अ बोनस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा।